चुका है, मौसम बेइंतहा सुहाना हो चुका है, जबकि हल्की बूंदाबांदी और बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। आज महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई थी और ये पेशगोई की गई थी कि मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद से अब सर्दी की शिद्दत में भी कुछ इजाफा देखा जाएगा और ये प्रेडिक्शंस, ये पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसना शुरू हो चुके हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के साथ ही मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और तमाम जो शहर है, शहर निखर चुका है। अमूमन सर्दियों में या फिर जो मौजूदा दिन चल रहे हैं उसके मुताबिक जो है तकरीबन 10 बजे तक तो सर्दी की शिद्दत रहती है कुछ हद तक, लेकिन उसके बाद से गर्मी आना शुरू हो जाती है और 12 बजे के बाद से बिलखसूस शदीद गर्मी देखी जाती है शहर में। लेकिन आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बायस मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और आज रात तेज सर्दी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कुछ मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज नदीम सिद्दीकी मौजूद है जो कुछ मौसम का हाल बताएंगे। नदीम सिद्दीकी बताइएगा, सर्दी कितनी ज्यादा है और हल्की बूंदाबांदी के बाद शहर की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, इस समय मौजूद हूँ शहर कराची की अहम शाहरा पर, जिसमें शहर कराची में हमने ये देखा कि अब्र रहमत जो है वो बरस रही है और मौसम सरमा की ये पहली बारिश शहर कराची में बरसती हुई नज़र आ रही है, जो कि आज जुमतुल मुबारक है और जुमतुल मुबारक के मौके पर जो है मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है बूंदाबांदी के साथ साथ बाज़ जगह मूसलाधार बारिश भी हो रही है और कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा हो रही है। मैं आपको बताऊँ कि शहर में जिस तरह की सूरत हाल है कि शहर कराची में अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो शहर कराची की जो शाहरा है वो गीली हो जाती है और गीली होने के बायस जो है वहाँ फिसलन और कई हादसा भी जन्म लेते हैं, जबकि इसके साथ साथ जो ये शाहरा आ रही है इसके बिल्कुल बराबर वाली शाहरा पर भी कई मोटरसाइकिल वाले और कई गाड़ियाँ जो है स्लिप हुई हैं, जिसके बायस जो है हादसा भी जो है वो जन्म ले चुके हैं। लेकिन फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई के लिए जो अपनी मदद आप के तहत जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो फौरी तौर पर उसको कवर करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए फौरी तौर पर जो है वो सामने आ जाते हैं और उनको उठाकर जो है रास्ता में क्लियर कर लेते हैं। लेकिन इसी तरह साथ साथ मैं आपको बताऊं कि शहर कराची में जिस तरह से बारिश और इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और इस बारिश से जो है वो मुख्तलिफ मकामात जो है तेज़ बारिश होने के बायस जो है कई मसाइल भी जन्म ले रहे हैं, जिसके बायस जो काफ़ी लोगों को तकलीफ का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन बाद चेहरे जो है खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि सर्दी की पहली बारिश है और ये भी बताया जाता है कि आज रात जो है इस बारिश के बाद जो है काफ़ी ठंड का जो है वो शहर कराची में समा होगा। जी तफसीलात से आगाह करने के लिए नदीम सिद्दीकी शहर की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। बारिश के बाद जो सूरत हाल शहर में देखी जा रही है, एक जानब तो मौसम खुशगवार हो गया है, मौसम सुहाना हो गया है, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, जबकि अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, शाम ढलेगी, रात आएगी, तो सर्दी की शिद्दत मजीद ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस वक्त जो एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को, वो मोटरसाइकिल सवारों को बिलखसूस काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद, काफ़ी अरसे के बाद कराची में बारिश हुई है और शाहराओं पर, सड़कों पर जो है फिसलन के बायस कई मोटरसाइकिल सवार स्लिप हो रहे हैं, लिहाजा उनको भी ये हिदायत दी जा रही है कि आसानी एहतियात के साथ मोटरसाइकिल चलाएं और अपने आप को और दूसरों को भी किसी भी हादसे से महफूज रखें। मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत मौसूल हो रही हैं फिसलन के बायस मोटरसाइकिल सवार स्लिप होकर जख्मी हो रहे हैं और साथ ही साथ कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब भी हो जाती हैं बारिश के दिनों में, लिहाजा शहरी एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं और बिला वजह गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से फिलहाल एहतियात करें। आप घरों की छतों पर या फिर अपने घर के आसपास इस मौसम का लुत्फ जरूर उठा सकते हैं, ना सिर्फ लोग बल्कि परिंदे भी इस मौसम से जो है लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कुछ स्क्रीन पर आप मनाजिर भी देख रहे हैं, परिंदे दरख्तों के ऊपर बैठे हैं और इस बारिश से लुत्फानंदोज